नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक शिक्षा से जुड़ी एक खबर। 68,500 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग को लेकर एक खबर है और एक खबर है शिक्षा मित्र की। तो चलिए इन तीनों खबरों को हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको समय से मिल सके, और साथ ही इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन खबरों को, लेकिन उस खबर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे शिक्षा मित्र की खबर के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही शासन ने एक आदेश जारी किया था जिसमें महिला शिक्षा मित्रों को मातृत्व अवकाश देने की मंजूरी मिल गई थी। यानी महिला शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे वो कस्तूरबा बाल विद्यालय की महिला शिक्षिकाएँ हों, उन सभी के लिए 6 महीने का मानदेय सहित अवकाश देने का आदेश आ गया है। इस पर जितेन साई ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश कुमार जी का धन्यवाद भी प्रेषित किया था। ये खबर हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन यहाँ इस बात को हम बताने के लिए आए हैं कि इस आदेश के बाद भी अगर कहीं भी किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये आदेश निकाला जाता है कि यदि कोई महिला शिक्षा मित्र मातृत्व अवकाश पर जा रही है और उसको उसके एवज में किसी अन्य को वहाँ पर पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेणुका कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर महिला शिक्षा मित्र के एवज में अगर किसी अन्य को वहाँ विद्यालय में पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है तो ये बिल्कुल भी नियम विरुद्ध है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा पाया जाता है तो। क्योंकि ऐसा पहला होता था कि महिला शिक्षा मित्रों को जब भी कभी मातृत्वावकाश की जरूरत पड़ती थी या एक बच्चे की देखभाल के लिए वो कभी अभी अवकाश लेती थी तो उसके उनको अपनी जगह किसी परिवार के सदस्य को या किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ भेजना होता था जो विद्यालय में उनकी जगह शिक्षण कार्य कर सके, तब उनका मानदेय सुचारू रूप से चलता था। जबकि ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी, ये केवल एक व्यवस्था को देखते हुए ऐसे किया गया था कि उनकी जगह कोई और पढ़ा दे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस मामले में आदेश जो आया है वो महिला शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी अच्छा है कि एक तो मातृत्वावकाश मिलेगा ही मानदेय सहित, साथ ही साथ उनको अपनी जगह किसी और को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये गुड न्यूज़ थी शिक्षा मित्रों के लिए। और जो दूसरी खबर है वो है 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में। हम 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने कहा था कि 7 जनवरी को इसका कोर्ट ऑर्डर सुनाया जाएगा, कोर्ट नंबर 20 में डेली कॉज लिस्ट 1 में इसका ऑर्डर सुनाया जाएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग ये पूछते रहे कमेंट करके कि 7 तारीख क्या हो रहा है। कहा था उस वीडियो में कि 7 जनवरी को इसका ऑर्डर सुनाया जाएगा और इसका ऑर्डर पक्ष में आ सकता है रिक्त पदों को भरने के लिए। अब रिक्त पद जो भरे जाएंगे 40-45 से तो नहीं भरे जाएंगे क्योंकि उतने पद भर्ती हुई थी, तो मेरिट गिरा के होंगे, तो मेरिट कितनी हो सकती है। अभय कुमार सिंह जी जो शिक्षा मित्र के नेता हैं और उन्होंने जिन्होंने ये केस लड़ा उसको वो 30-33 पर कराने के लिए केस लड़ रहे थे, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 30-33 पर कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो इससे काफ़ी अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, BTC अभ्यर्थी हों, चाहे BEd वाले हों। तो ये बात आती है कि यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हो रही है। और अभी एक चरण पूरा हुआ था जहाँ पर हाई कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद उन अभ्यर्थियों ने भी काउंसलिंग करा ली थी जो गैर जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए थे, जिनका यह मूल निवास गैर जो राज्य का था, लेकिन उनकी काउंसलिंग हुई, साथ में उन लोगों की भी हुई जो पुनर्मूल्यांकन में पास हुए, फॉर्म भी निकले थे, डेट पड़ी थी। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि जब ये काउंसलिंग हुई तो उसमें एक नया पेचीदा और एक समस्या और आके खड़ी हो गई। जब वो काउंसलिंग कर रहे थे अधिकारी तो उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश और ये आपका राजस्थान और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रशिक्षण इंटर के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कई अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने आ गए जिन्होंने इंटर के बाद सीधे प्रशिक्षण की डिग्री ली थी और उसके बाद स्नातक किया था, प्रशिक्षण करने के बाद स्नातक किया था, जबकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा नियमावली में इंटर के बाद पहले ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन के बाद प्रशिक्षण का कोर्स होता है, उसके बाद ही वो टेट सुपर टेट देकर अध्यापक बनते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये आ गई कि क्या ऐसी स्थिति में इसको मान्य किया जा सकता है जहाँ इंटर के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त हो।
कोर्ट से जो मैटर जीत के लाए थे वो जीत के लाए थे निवास प्रमाण पत्र को लेकर, लेकिन यहाँ अब बात शैक्षिक गुणवत्ता उस शैक्षिक डॉक्यूमेंट पर आ गई है, तो उसके लिए नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, तभी उनको जाके नियुक्ति मिलेगी। क्योंकि इन राज्यों में इंटर के बाद ग्रेजुएशन, इंटर के बाद आपका प्रशिक्षण होने की वजह से इनको काउंसलिंग से रोक दिया गया है, नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में हम शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं, शासन से दिशा निर्देश लेंगे, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग करा पाएंगे। शासन को भी दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं, अब देखते हैं कि उधर से बेसिक नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव पास होता है या नहीं। अगर बेसिक नियमावली में प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहाँ ये चेंज करना पड़ेगा कि गैर जनपद से आए हुए अभ्यर्थियों को इंटर के बाद प्रशिक्षण मान्य होगा। तो ये सब संशोधन के बाद फिर से 68,500 की जो भर्ती हो रही है कई चरणों में फिर से रुक गई है, कई अभ्यर्थी इसमें रुक गए हैं, बाकियों को तो मिल जाएगी लेकिन ये व्यक्ति जो है रोक दिए जाएंगे। इसके बाद जो हम आखिरी खबर बता रहे हैं वो है बेसिक शिक्षा को लेकर। बेसिक शिक्षा के जिला अलीगढ़ से ही ये खबर है और अलीगढ़ के अखबार में भी आज आई थी है, तो इसमें स्पष्ट इस है, ये वैसे मैंने खबर आपको पहले भी पढ़ाई बताई होगी वीडियोस के माध्यम से, कि अब शिक्षकों पर पैनी नज़र रखी जाएगी गांव के अभिभावकों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि अब शिक्षकों की लापरवाही को सीधे डायरेक्ट प्रशासन बल यानी लखनऊ कॉल कर सकेंगे 1000 नंबर को डायल करके। जी हाँ, 1000 डायल करेंगे आप तो ये कॉल सीधे लखनऊ लगेगी, जहाँ पर आप अपने गांव के विद्यालय के शिक्षक की शिकायत उनसे कर सकते हैं। शिकायत में शिक्षक का लेट आना या कोई भी शिक्षण कार्य ना कराना आदि समस्याएं हो सकती हैं। आपको फ़ोन पर बताना पड़ेगा कि आपकी क्या समस्या है। इस समस्या को लखनऊ पर कॉल पहुँचने के बाद वो वहाँ के संबंधित सेक्टर से वहाँ पर फ़ोन करेंगे, खंड शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी ने जो पहले से टीम गठित कर रखी है उस टीम को आदेश देंगे और 15 से ठीक 20 मिनट के अंदर वो टीम उस विद्यालय पहुँचेगी, निरीक्षण करेगी और कंप्लेंट अगर सही पाई जाती है तो शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 100 नंबर डायल करने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर 100 नंबर पुलिस का वहाँ पहुँचना तय होता है, ऐसे ही अब 1000 नंबर डायल करने के बाद विद्यालय चेकिंग के लिए वो टीम वहाँ पहुँचेगी। हर ब्लॉक में एक टीम होगी ताकि एक ब्लॉक में 15 से 20 मिनट के अंदर उस विद्यालय में पहुँचा जा सके। अजीब सी बात है, जहाँ पर शिक्षकों पर निगरानी के लिए या के लिए शिक्षकों की उपस्थिति के लिए पेन ऐप या फिंगरप्रिंट या सेल्फी कई ऐसे प्रयोग सरकार कर चुकी है, वहाँ पर आप ऐसा भी प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है जहाँ पर अभिभावकों को या ग्रामीण जन को 1000 नंबर डायल करके उनकी शिकायत सीधे प्रशासन को करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ ये भी बात होती है कि आखिरकार 100 नंबर डायल करने से आदमी थोड़ा घबराता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 100 नंबर पर डायल करने के बाद अगर मेरी शिकायत सही नहीं पाई जाती है तो पुलिसकर्मी मुझे उठा के थाने ले जाएंगे, मुझसे सवाल जवाब करेंगे और कारण पूछेंगे कि तुमने आखिर झूठी सूचना हमें क्यों दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, ये थी बेसिक शिक्षा से जुड़ी तीनों खबरें हैं। इसके बाद हम एक खबर और आपको बताते हैं कि क्रांति जी और गाजी महाराज जी का विचार एकमत हो रहा है और वो जनवरी में शिक्षा मित्रों से एक महा आंदोलन की मांग कर रहे हैं कि हो सकता है कि जनवरी में एक महा आंदोलन हो अपनी मांग को लेकर। वहीं हृदय दुबे जी का कहना है कि सरकार को पक्ष में लेकर ही कुछ हासिल किया जा सकता है, इस सरकार में आंदोलन से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेखपाल की हड़ताल का उदाहरण उन्होंने दिया है कि सरकार से साथ मिलके सरकार को मना के आप कुछ पा सकते हैं, नई शिक्षा नीति में अपने लिए जगह बना सकते हैं, आंदोलन से फिलहाल शिक्षा मित्रों को भी कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं क्रांति जी का और गाजी मारवाला के संगठन का एक आंदोलन करने का ऐलान लगभग होने वाला है, वो तारीख कब होगी, वो रणनीति क्या होगी, वो हम आपका अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल इन्हीं तीन खबरों को लेकर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, और इसमें यह भी बताइएगा कि क्या 1000 नंबर डायल की व्यवस्था अध्यापकों के लिए करना सही है। चलिए, ये तो रहे आपके विचार, और अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। साथ ही बेसिक शिक्षा से जुड़ी और अपडेट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.govindgopal.com पर जाके बेसिक शिक्षा की खबरों को पढ़ सकते हैं, वहाँ से ज़रूरी शासन आदेश भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।